हेलो फ्रेंड्स, ये अपना चैनल UPPCS प्री एग्ज़ाम 2020 एंड BEO की एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड है। इसमें देखिए, हम ज्योग्राफी का पहला टॉपिक कवर करेंगे आज, ठीक है। क्रम से हम लोग सभी चैप्टर कवर कर रहे हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में, ठीक है। यानी जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, और देशांतर रेखाएं खड़ी हुई रेखाएं होती हैं। ग्लोब में ये जो लेटी हुई रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, और खड़ी हुई रेखाएं ये देशांतर रेखाएं हैं। इसमें हम देखेंगे कि उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक भारत फैला हुआ है। यानी अगर हम देखें, ये भारत का नक्शा है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश तक, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये इस अक्षांश से इस अक्षांश तक इसका विस्तार है। और जब पूर्वी देशांतर की बात करते हैं, तो 68 डिग्री 7 मिनट से, ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, यहाँ तक ये पूर्वी देशांतर होगा। 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है, ठीक है। इसके बाद भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का जब सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो है आपका इंदिरा पॉइंट। ये भारत का नक्शा है। ये भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ये है यहाँ पर अरब सागर। ये क्या है? अरब सागर। ये है इधर बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर लक्षद्वीप है, और यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही ये इंदिरा पॉइंट स्थित है। इस जगह पर ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जो दक्षिणतम बिंदु है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट स्थित है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट पर देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंदिरा पॉइंट आपका किस द्वीप में स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह कई द्वीपों से मिलकर बना है, तो ये उसके किस हिस्से में स्थित है, ये याद कर लीजिए, ग्रेट निकोबार में, ठीक है। अभी हम उसका मैप के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूरे क्रम से बताएंगे कि मध्य निकोबार मतलब कि सबसे बड़ा अंडमान कौन सा है, छोटा अंडमान, मध्य अंडमान, फिर इसके बाद है ग्रेट निकोबार, सबसे लास्ट में है ये ग्रेट निकोबार। इतना याद कर लीजिए, सबसे दक्षिण में है। तो ये हो गया, ठीक है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, ये 6 डिग्री 75 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसका दूसरा नाम भी है पिगमेलियन पॉइंट एंड लाहचिंग। पिगमेलियन पॉइंट भी है और लाहचिंग भी है। इसके बाद देखिए, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु तो हो गया इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल। ये है जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है इंदिरा काल। हमने देखिए मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हम मान लेते हैं कि ये इंडिया है। इंडिया का सबसे पूरब में कौन सा, पूरब में कहाँ तक विस्तार है? अरुणाचल प्रदेश तक। पश्चिम में कहाँ तक विस्तार है? गुजरात तक। उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा काल। दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सब पूरब का सबसे पहला राज्य कौन सा पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। यानी कि सूर्योदय यहीं पर होता है सबसे पहले। सबसे पहले जो सूर्योदय होता है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, पूरब से पश्चिम तक जो इंडिया है, पूरब से पश्चिम तक, यहाँ से यहाँ तक, पूरब से पश्चिम तक, ये विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर। इसके बाद देखिए, भारत की मुख्य भूमि सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर।
समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन दोनों को मिला करके समुद्र तट की जो कुल लंबाई है वो 7,516 किलोमीटर है। क्षेत्रफल इंडिया का कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की मध्यान्ह रेखा क्या कहलाती है? ये है इंडिया। ठीक है, भारत की जो मध्यान्ह रेखा है 82.5 डिग्री कहलाती है, या इसको 82 डिग्री 30 मिनट। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर में इस जगह पर जो इलाहाबाद स्थित है, यहीं से भारत की मध्यान्ह रेखा जाती है, यानी कि ये क्या है? देशांतर रेखा है। 82 डिग्री देशांतर रेखा है, पूरब की ओर है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, बाद में हम किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मध्यान्ह रेखा किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें देखिए, जब अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में सूर्योदय होता है तो गुजरात के पश्चिमी भाग में रात होती है। ठीक है, बेस्ट पेट क्वेश्चन है PCS का कि भारत को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? कर्क रेखा बांटती है, और कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये पेट क्वेश्चन है। कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि 8 तो सीधे सीधे राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसको दिल्ली से होकर गुजरती है। तो 8 + 1 = 9, 9 राज्य को ही आप टिक करेंगे। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 9 राज्यों से। जैसे अगर पूछा जाए कि भारत में कितने राज्य हैं, तो इस समय 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कुल मिला के कितने हैं? 37। तो आपको जवाब 37 ही देना है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 37 राज्य हैं। इसके बाद देखिए दूसरा, इसके बाद है समुद्र पार भारत का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये तो श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका को ये इंडिया है, और यहाँ पर ये श्रीलंका है, इन दोनों को कौन डिवाइड करता है? तो ये मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य, ये दोनों इंडिया को श्रीलंका से अलग करते हैं, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य। इसके बाद भारत में कुल कितने द्वीप हैं? तो 247 द्वीप हैं भारत में, 247 द्वीप हैं, जिसमें 204 हैं बंगाल की खाड़ी में, 43 हैं अरब सागर में। यानी कि अगर ये मैप है इंडिया का, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, तो अरब सागर में कितने हैं? 43। बंगाल की खाड़ी में कितने हैं? 204। ठीक है, लक्षद्वीप यहीं पर है, यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये लक्षद्वीप में कितने हैं? लक्ष जैसा कि छ आ गया, यानी 36, तो आप लक्षद्वीप में 36 द्वीप स्थित हैं, 36 द्वीपों से मिल करके बना है लक्षद्वीप। इसके बाद 10 डिग्री जो चैनल है वो किसको किसको डिवाइड करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। भारत और म्यांमार को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और म्यांमार को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी हैं? तो ये है मिसमी की पर्वत श्रेणियाँ, पटकाई, नागा, बैरील रेंज, लुशाई और अराकान योमा। मिसमी, पटकाई, नागा, बैरील रेंज, लुशाई, अराकान योमा, तो ये भारत और म्यांमार को अलग करने वाली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।